यहाँ पे भुखमरी की स्थिति में आ गए हैं। गांव में न राशन की व्यवस्था है, न लकड़ियों की व्यवस्था है, सुविधा नहीं है जी। कोई सुविधा जो है यहाँ कोई प्रकार की, तो क्या कहना, यहाँ पर कोई सहायता ना भी राशन जो है गल्ला वल्ला मिला है। ये थोड़ा मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से लापरवाही बरती जा रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव समाचार टीवी पर। हम मौजूद हैं सीतापुर के काशीपुर मल्लापुर के नाम से गांव जाना जाता है, यहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं। हमारे साथ में रामशंकर अवस्थी, शहनवाज खान और मैं खुद हासिम गोरी यहाँ पर पहुँचे हैं। हमसे जो बन पाया था, जो हमारे चैनल के माध्यम से और जो हमें सहायता मिलती उसके माध्यम से आप लोगों को वितरण किया, जो आपकी सहायता हम तक पहुँच रही है, हमारे स्क्रीन पर फोन पे, गूगल पे और अकाउंट नंबर आपको शो हो रहा है। अगर आपसे कुछ हो सके तो हमें दीजिए, हम लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमें डोनेट कीजिए और ताकि लोगों तक मदद हो सके। हम इस वक्त गांव में मौजूद हैं, इन लोगों से जानेंगे कि इन लोगों की क्या समस्या है, लॉकडाउन के चलते इनके ऊपर क्या क्या इन पर प्रभाव पड़ा और क्या क्या इनकी मुख्य समस्याएँ हैं। क्या नाम है आपका? प्रताप नारायण अवस्थी। तो आपको जिस तरह से देश में लॉकडाउन है, कर्फ्यू लगा, कोई आ नहीं सकता, ना कोई जा सकता है, तो ऐसे में आपको क्या क्या समस्या हुआ? कोई सहायता यहाँ पर नहीं मिली। तो क्या कहना, यहाँ पर कोई सहायता ना भी राशन जो है गल्ला वल्ला मिला है, कुछ नहीं मिला है। किसको मतलब कितने लोगों को अभी ऐसे हैं जो नहीं मिल पाए, जिन लोगों को? किसी गांव को, किसी को नहीं। क्या कहना चाहे सरकार से, आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या अपील करना, कि गल्ला दिया जाए? सरकार लगातार तो गल्ला पहुंचा रही है, पैसे गल्ला यहां पर नहीं, मजदूरों के खाते में पैसे पहुँचा, पैसा नहीं मिला है यहाँ पर, एक भी पैसा नहीं। संबंधित अधिकारी आपसे मिलना है? कोई भी नहीं मिलने आया। क्या कहना चाहेंगे भाई, आप बताएं, आपसे हम आपके लिए आए, आपकी जो समस्या बताइए आप। बस समस्या तो यहाँ पे अभी पता लगा था कि सिलेंडर के लिए गए थे, तो वहाँ पे बहुत भीड़ लगी है, वहाँ पे पल्ला बंद, गेट में ताला लगा लेते हैं, कहते बाहर खड़े रहो। गांव में बाहर मतलब कोई सुविधा नहीं मिली अभी तक। बढ़ते रहे आप लोग, हम आपके लिए आए, आपकी जो समस्या आप बताइए, ये आपका प्लेटफॉर्म है, बताइए आपकी जो समस्या, आप जिस समस्याओं से जूझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ सामने हम देख रहे हैं नदी है, बाढ़ आती है, अक्सर हम यहाँ पर आते रहते हैं, लेकिन जो लॉकडाउन के चलते जो समस्या आ रही है उन पर हम चर्चा करने के लिए यहाँ पर आए। कि यहाँ जो है नदी का किनारा है, यहाँ कोई जो है सुविधा नहीं हुई जी, कोई सुविधा जो है यहाँ कोई प्रकार की जो है हुई नहीं। सब लोग बढ़ते रहिए, अपनी बात रखिए सरकार के सामने, सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि लोगों तक पहुँचे। क्या नाम है आपका? अनुज अवस्थी। अवस्थी जी, आप बताइए कि क्या समस्या, आप गांव में, आप नौजवान हैं, गांव के लिए कुछ करिए। यहां पर हम लोगों से जितना बन पाया था, लोग हमको कंट्रीब्यूट करते उस हिसाब से यहां पर पहुंचा दिया गया है, लेकिन आप लोगों का भी दायित्व बनता है, सरकार का भी दायित्व बनता है, सरकार अपने तरफ से करे। आप बताइए क्या आपकी समस्या है गाँव की? समस्या गाँव की हमारी बहुत खराब है, गाँव में कोई कहूँ बाहर ना जा पावत है, ठीक है, राशन पानी गल्ला कोई दे नहीं रहा सरकार की तरफ से। आप बढ़ते रहो भाई, आप बताइए, ये आपका प्लेटफॉर्म है, अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो सरकार को कैसे पता चलेगा? बताइए आपकी जो समस्या है सरकार को, डायरेक्ट आप तक बात सरकार तक। प्रकार की समस्या है, लोगों का जो कार्य चल रहा था सब स्थगित हो गया जी, ठीक, सब यहाँ पे भुखमरी की स्थिति में आ गए हैं। गांव में न राशन की व्यवस्था है, न लकड़ियों की व्यवस्था है, गैस भी मिलनी थी उस पर वहाँ बहुत भीड़ लगी है, लोगों को वहाँ मिल नहीं पाती है, वो लोग गेट बंद कर लेते हैं, बैंक जाओ वहाँ कैश भी नहीं उपलब्ध है, बस लोग यहाँ क्या खा लें बताइए। हमारे साथ एक छोटा बच्चा है, क्या नाम है बेटा बताओ, हम आप ही के लिए आए, यहाँ यहाँ भागाओ, क्या नाम है आपका? अभिषेक। अभिषेक, तो भैया कुछ खाना ना बन रहा है आपके घर में? हाँ। खा पी रहे हैं बराबर? क्या बना था आज? रोटी सब्जी। अच्छा, मिल रहा है बराबर? हाँ। चलो ठीक है, बाहर मत निकलो, वायरस और संक्रमण से बचो, ठीक है बेटा। आप लोग इधर बड़ा बता दो, जो समस्या आप बताइए, ये आपका चैनल है, आपका बैनर है, आप बताइए अपना। हमारे गाँव किनारे जी, पंडित जी कुछ कहना चाह रहे हैं हमारे सामने जी, आप बताइए, आप बुजुर्ग हैं, आप जरा नदी किनारे की तरफ पहले फोकस कीजिए अपना कैमरा, नदी की तरफ बता दे, बस बस दिख रही नदी, अंकल नदी दिख रही है, आप बताइए यहीं से। चलिए अंकल के, आप लोग आगे आ जाइए, हमारे साथ में एक अंकल है, हमको नदी दिखाएंगे और गाँव की पूरी समस्या हमें बताएंगे कि यहाँ पर क्या समस्या है, गांव की पूरी समस्या है। लॉकडाउन तो अब हुआ है, लेकिन इन लोगों की समस्या की बात करें तो हर साल बाढ़ आती है, हर साल गांव जो है, नदी जो है गांव को खा जाती है, और यहां पर अक्सर लोग परेशान रहते हैं। हमारा चैनल निकला है देखने के लिए, लोगों की समस्याएं जानने के लिए कि उनकी समस्या क्या है। हम लगातार लोगों तक जो हमसे राहत सामग्री हो पा रही है लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं बराबर। आप लोग जो है दूरी बनाए रखें, कोरोना वायरस के संक्रमण से भी बचे, और जो लॉकडाउन है उसका भी उल्लंघन ना हो पाए, आप सभी लोग दूरी बनाए रखें, पास पास ना आए।
आप देख सकते हैं, पहले हम सेनवास से कहेंगे, पहले ये दिखाए नदी, जो मुख्य समस्या यहाँ की नदी है। हर साल यहाँ बाढ़ आती है, गांव को बिल्कुल खा जाती है। यहाँ के लोग अक्सर परेशान रहते हैं। लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन के चलते क्या समस्या आई है बताइए आप। जी, मेरा नाम अथर्व सैद अवस्थी है जी। मैं इस कमरिया शेखपुर गांव का निवासी हूँ, जो ग्राम पंचायत मल्लापुर थाने रेउसा तहसील बिस्वान जिला सीतापुर के अंतर्गत आता है। हमारे वैसे तो कोरोना की तो जो संभावनाएं हैं वो तो हमारे पूरे देश में आप हैं। अंकल एक मिनट, आप सभी लोग दूरी बनाए रखें। हम अपने चैनल के माध्यम से कोई गलत मैसेज नहीं देना चाहते। आप लोग एक एक किलोमीटर की दूरी बनाए रखें और लोग एक एक मीटर की दूरी बनाए रखें और लॉकडाउन का कोई भी उल्लंघन ना करें। सभी लोग अपने घर में रहें जी। तो ये कोरोना की समस्या तो बहुत गंभीर है ही जी, लेकिन साथ में सरकार से एक मतलब मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ इस बार 12.5 करोड़ के लगभग बहुत दिनों के बाद कटान करते करते गांव नदी गांव के बिल्कुल दहलीज पे आ गई है। बिल्कुल और पहले अप्रैल से काम होना था, बहुत अवश्यंभावी, क्योंकि उसके काम होने में 2-2.5 महीने जरूर लग जाते हैं। यदि इस समय काम न शुरू हुआ तो परियोजना का कोई अर्थ नहीं रहेगा और क्षेत्र हमारा जो है वो नदी के कटान की चपेट में आ जाएगा। तो कोरोना की जो समस्या है वो तो है ही, लेकिन साथ में मतलब हम एक दूसरा दर्द गांव का जो क्षेत्र का हमारे वो मैं बताना चाहता हूँ कि यदि कमरिया से खूबपुर ये गांव कट गया, जो परियोजना का काम है, एक मीटर की दूरी बना लो, पास पास ना खड़े हो, मास्क लगाएं, और सरकार ने रुपए भी दिए हैं 12.5 करोड़ रुपए। आप जो है जो लॉकडाउन के चलते जो समस्या है वो तो आपको दिख रहा है, हम लोग अक्सर यहाँ आते रहते हैं कि गांव परेशान है, लेकिन लॉकडाउन के चलते जो सरकार कह रही है कि लोगों तक गल्ला पहुंचना चाहिए, लोगों तक राहत सामग्री पहुंचना चाहिए, जो मजदूर उनके खाते में 1,000 रुपए, हम इस पर बात करना चाह रहे हैं इस वक्त। इस समय प्रधान लोग तो अपना व्यवस्था करने के लिए दौड़ भाग रहे हैं, विद्यालयों में रुकने भी अभी तक हुई है। अभी तक तो हम भाई नहीं समझ पाए हैं, अभी तो कोई अब व्यवस्था करने की व्यवस्था चल रही है। अब इस बीच में अभी कोई बाहर से आदमी आए थे या चाहे किसी के द्वारा भेजे गए हों, अभी आए थे, कुछ दे गए हैं भोजन बना बनाया। हमारे साथ इस गांव के वरिष्ठ पत्रकार भी, सीतापुर के वरिष्ठ पत्रकार भी। एक मिनट बात को कहना चाहता हूं कि हमारे यहां की जो गवर्नमेंट ने नदी कटान रोकने के लिए 12.5 करोड़ रुपए के लगभग जो धन स्वीकृत किया है, उसके लिए पहली अप्रैल से काम शुरू होना था। यदि नहीं होता है समय पर काम तो फिर उसका क्या होगा, इसलिए हम आप जो लॉकडाउन के चलते जो समस्या है उस पर बात होती रहती होगी। आप जो लॉकडाउन के चलते और लॉकडाउन तो चल ही रहा है, उसके लिए सरकार व्यवस्था कर ही रही है, व्यवस्था करे और कर रही है बिल्कुल। आप अवस्थी सर कुछ कहेंगे, आप गांव के हैं, सीतापुर के वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, आप कुछ बताइए गांव के हालात क्या है, गांव के हालात क्या, आप तो पूरे जिले के हालात आपको बताऊंगा। कोरोना वायरस एक तो वैसे तो ये वैश्विक महामारी है, पूरा संसार इससे जूझ रहा है। और जहां तक गांवों की बात है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो राहत पैकेज की घोषणा की है तो ज़रूरी ये है कि वो राहत पैकेज सिर्फ घोषणा न रहे, लोगों तक समय से पहुंचे, तभी उसका कुछ फ़ायदा है। नहीं तो घोषणाएं तो होती ही रहती हैं, और इस समय बस लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि उनको आटा दाल और सब्जी ये सब खाने की चीज़ें मिलती रहें, ताकि जी आपको कहाँ से लापरवाही लग रही है कि गांव में अनाज नहीं पहुँच पा रहा, गल्ला नहीं पहुँच पा रहा। ये थोड़ा मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से लापरवाही बरती जा रही है, और सरकार की ओर से तो बहुत कड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से उन पे अमल नहीं कर पा रहा है, या कह लीजिए कि सरकार की मंशा को पूरा नहीं कर पा रहा है।